स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अंदरा हम सब एकदम ठीक है। आज सुबह सुबह वॉक कर ली क्योंकि आज जा रहे हैं वेडिंग प्लानर से मिलने। भाई भाभी उनसे काफी बार मिल चुकी, आज मैं पहली बार मिलने जा रही हूँ, तो देखते हैं क्या उन्होंने तैयारी की है, कैसा है, सारी बहुत सारी एक्साइटमेंट है। रिजल्ट यहाँ पे जाएंगे तो मैंने सोचा आज मैं सुबह से ही वॉक कर लेती हूँ, काम फिनिश कर देती हूँ और आपको अपडेट भी दे देता हूँ कि स्किन जो है पहले से थोड़ी बेटर है। तो आज मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देती हूँ। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं स्किन पे क्या लगाना है, स्किन कैसे अच्छी होगी। तो स्किन के लिए आपको बहुत सारा सच में पानी पीना है। हम लोग सुनते रहते हैं पानी तो पीना है, पानी के लिए तो हर एक एक्टर बोलता है, लेकिन वो सच बोलता है। पानी की कमी होती है, हीट पैदा होती है और हीट से दाने निकल आते हैं चेहरे पे। मीठा कम खाना है। तो जो जो गलतियां मैंने की है ना भोपाल में, वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने खूब सारा उल्टा सीधा खाया, ऑयली भी खाया, बिरयानी भी खाई, चावल भी खाया, मीठा भी खाया, पानी भी नहीं पिया टाइम पे, सोई भी नहीं, पॉल्यूशन में भी निकली, धूप में भी निकली, मेकअप करके निकली। तो अब आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है अगर आपको अच्छी स्किन चाहिए। क्या क्या बाहर निकल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि पसीना आ सकता है तो मेकअप नहीं करना। दूसरी बात सनस्क्रीन लगानी है। तीसरी बात दिन भर में बहुत सारा पानी पीना है। चौथी बात बहुत सारे फल खाने। पांचवी बात क्या बतानी थी, मीठा कम खाना। इतना करके देखो स्किन अच्छी हो जाएगी। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट, मोटे हो दुबले हो कैसे भी हो, आधा घंटा मेहनत करके पसीना निकालना है ग्लोइंग स्किन के लिए। ऐसे गए थे स्कूल बटन खोल के, स्कूल से आ चुके हैं ये लोग। अब हम कहाँ जा रहे हैं? आपकी वेडिंग प्लानर के वहाँ पे। फ्रेंड्स देखो फिर से मुझे डांट रही है कि मैंने दुपट्टा क्यों निकाला। मैंने सोचा अब मैं फ्रेंड से शिकायत करूंगी। कोई शिकायत करो, तुम्हारे दोस्त जो बोलेंगे वो मंजूर है मुझे, लेकिन एक बार पूछो तो। मैं खाना खा रही हूँ, नमाज पढ़ने के लिए क्या बोलूँ, नमाज पढ़ने में निकाल, एक बार पूछना चाहिए कोई चीज लेने से पहले। मेरा भी हो गया, अभी नमाज का मेरा दुपट्टा हो गया। ठीक है, ठीक है, बोल दिया सबके सामने। हाँ बिल्कुल ठीक है, बेटी का गवाह। लेकिन गवाह आलू के दोस्त मेरे ही सब सुन रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए दिया है। हाँ नमाज की, ऐसे ओढ़ने को नहीं दूंगी। तो अभी हम लोग को निकलना है, हम लेट हो रहे हैं, अभी हम खाना खाएंगे। खाने में क्या बना आपको बता दे रहे थे, तुम ड्रेस पहने पहने खाना खा रही हो। बनिए फ्रेंड्स लौकी और सब खा रहे हैं। रिजा भी चेंज करेगी तो कह रही मैं भी यही पहन के बैठ गई हूँ, इतनी भूखी है कि कह रही मैं ड्रेस भी नहीं चेंज करूँगी। ऐसे ही होता है, झूठ नहीं बोल रहा, नजर लगी जा रही है, दुपट्टे चार चांद लगा दिए। चलो बहुत शुक्रिया। अरे सलाम कौन करेगा खाना खाने के बाद। फ्रेंड्स हम लोग हो गए लेट, भाभी पहले से तैयार हो गए, कार में बैठ गई है, हम लोग निकलते हैं। जान क्या जिंदगी है पहली बार। हाँ भाभी उसमें आ रही है, उनको प्रतीक भाई के साथ काम है। कितना अच्छा लग रहा है, मैं आगे पहली बार बैठा हूँ। इसी लोग इस कार में बैठ के इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, हम लोग शायद दूसरी बार बैठ रहे हैं। रेहान तो आज आगे बैठा है तो बहुत ज्यादा खुश है। और सच में इसमें ऐसा फील होता है कि आप कार में नहीं हो ना, घड़ी चार्ज नहीं हो सकती, घड़ी बंद पहन लेते हैं। रिजा कह रही है किसको पता है ना, कोई पूछे तो बहाने से फोन में टाइम देख के बता दो। तो फ्रेंड्स चलिए हम पहुंच के आपसे मिलते हैं। इसमें लगा लगा है। अच्छा BMW नहीं मर्सिडीज। वेडिंग प्लानर्स के ऑफिस में पहुंच चुके हैं, बहुत ही यम्मी सी कॉफी पिलाई थी और सब लोग रेडी हैं एवी देखने के लिए, जो उन्होंने प्रेजेंटेशन बना के रखी थी। और देखिए अभी ये कंप्लीट हो चुकी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। और भाभी यहाँ पे जो जो कुछ चेंजेस उनको बताने हैं डेकोरेशन में वो बता रही हैं, और जो बाकी चीज़ें डिस्कशन है वो प्रतीक भाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, मतलब एक दो बार भाभी लोग मिल चुके हैं तो उनको काफी अच्छे से बता चुके थे। जब मैं गई थी तो कुछ बताने के लिए नहीं था, क्योंकि सब कुछ बहुत परफेक्ट था, जैसा चाहिए था वैसा था। मतलब मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि अच्छा ये हो जाएगा। क्योंकि कभी ऐसे इमेजिन नहीं करा और कभी ऐसी शादी ऐसे मौधा में नहीं देखी है, तो बस यही है कि सारी चीजें जो उन्होंने सोची है क्या लगता है हो जाएगा, वो सारा इंशाल्लाह हो जाएगा। तो वही हम इसलिए जब गए थे मौधा तब भी वो सारी प्लानिंग हमारी ऐसी थी कि हाँ यहाँ इंशाल्लाह हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से चाहिए वो हम लोग को भी वैसे चाहिए और वो लोग भी समझ गए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो उस वक्त हो जाता है, लेकिन काफी अच्छे अच्छे सारे डेकोरेशन है। तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा रियान, बहुत ही अच्छा। और तुम्हें सबसे अच्छा कौन सा लगा? शादी वाला, इसको निकाह वाला लगा। मुझे सारे अच्छे लगे, हर एक का अलग अलग थीम है, अलग अलग कलर है, अलग अलग हर एक छोटी छोटी चीजों में डिटेलिंग है, तो काफी अच्छा लग रहा है। देखते हैं अभी। मुझे डायरेक्टली उन दिनों का इंतजार है कि जब वो हो जाएगा तो कैसे लगेगा।
और एक आजकल का सबसे बड़ा सवाल, आप कब ले रहे हो आईफोन 14? अरे मेरा ऑर्डर हो गया, मैं वेट कर रही हूँ। तो अच्छा ऐसा है क्या कि अगर आप जाओ शॉप पे और बोलो आईफोन 14 चाहिए और 1 TB वाला चाहिए तो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? वो मुझे नहीं पता, क्योंकि हर जगह यही सुन रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। वो मुझे नहीं पता, मैंने जिस दिन प्री बुकिंग स्टार्ट हुई थी, मतलब प्री बुकिंग नहीं लॉन्च हुआ था, बुकिंग स्टार्ट हुई थी, उस दिन मैंने अपने लिए एप्पल के वेबसाइट से ऑर्डर कर दिया था, तो मेरी डिलीवरी 23rd to 29th दिखा रहा है। अच्छा, तो आई थिंक अभी कभी भी आ जाना चाहिए। और शोएब की तो किस्मत है कि मैंने उस दिन तुक्का मारा कि चलो देखती हूँ मिलता है क्या, तो एक ही पीस अवेलेबल था, वो मिल गया 1 TB वो भी पर्पल कलर मिल गया। अरे वाह, मतलब ये तो बहुत किस्मत वाले हैं जिनको मिल रहा है, क्योंकि हर जगह ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत महंगा मिल रहा है और बहुत इसकी शॉर्टेज है। तो अब भाई ने यूज किया है तो उसमें अच्छा क्वालिटी है कैमरे की, लेना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि हर जगह मैं कैमरा क्वालिटी अच्छी सुन रही हूँ। कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है और जैसे व्लॉगिंग के लिए यूज होता है तो डेफिनेटली। तो हम व्लॉगर्स को अच्छा क्वालिटी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको अच्छा कंटेंट दे पाए तो देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स, अभी वेडिंग प्लानर से मिलने के बाद लग रही थी बहुत ज्यादा भूख और हम लोग आए फर्जी कैफे। मेन्यू देखा जा रहा है, इतनी भूख लगी थी और मैंने अपना फेवरेट दही पुचका ऑर्डर किया था और इसमें क्या कारीगरी करी है, उसमें साबुन जैसा झाग बनाया है। फ्रेंड्स, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, वो ऑलरेडी इतना सॉफ्ट हो चुका था उसका पूरी कि लग रहा था हलवा है। मतलब इतना भी क्रिएटिविटी नहीं दिखानी चाहिए कि चीज़ जो है ना वो उसका मज़ा ही ख़राब हो जाए। आप देखिए कैसे बाहर अपने आप निकल रहा है वो। फिर रिजा ने व्हाइट सॉस पास्ता मंगाया, उसको इसमें इतनी मेथी डाल दी कि वो ग्रीन हो गया, अच्छा नहीं लग रहा था। और ये था वड़ा पाव, बेचारी किस्मत ख़राब थी, उसे कुछ अच्छा नहीं मिला आज के दिन। और ये लास्ट में कुछ पान फ्लेवर का कॉटन कैंडी दिया था जो कुछ लोगों को अच्छा लगा कुछ को नहीं। वो गुड़िया के बाल खाते हो ना? हाँ, बहुत शुगर है, मैं इतना पाप नहीं कर सकती। खाने पीने और हंसने के बाद हम लोग आए इंक 5 यहाँ पे अपनी सैंडल्स देखने, जो निकाह के दिन पहनेंगे, अब बाकी फंक्शन में पहनेंगे। तो सैंडल हमने ले ली है, मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। यहाँ पे मैं भाई को खड़े होके आईफोन 13 और 14 दोनों से शॉट ले रही थी कौन सा बेटर है। 13 मेरे पास रह गया, 14 उनके फोन में रह गया, लेकिन क्वालिटी अच्छी थी। चश्मे की शॉप पे आ गए, भाई भाभी को भी कुछ कुछ देखना था तो हम भी खड़े होकर स्टाइल मारने लगे। रेहान देखो कैसे हंस रहा है इतना भी बुरा नहीं लग रहा था। फिर भाई और भाभी ने कहा कि तुम भी अपने लिए ले लो, तुम्हें भी आगे कभी काम आएगा, तुम अगर कभी बाद में घूमने जाओगी इंशाल्लाह शादी के बाद, तो उन्हें ये अच्छा लगा। और ये देखो मैं पिंक वाला ऐसे ही ट्राई करके देख रही थी। हम लोग आ चुके हैं घर, बस पहुंच गया, मुझे अपना आज ब्लॉग एडिट करके डालना था, अभी मैं एडिट करूंगी उसके बाद आपसे मिलती हूँ। आज आप जानते हैं वहाँ पे क्या हुआ, हम फर्जी कैफे चले गए थे लेकिन हमें नहीं पता था कि वहाँ पे चीजें भी इतनी फर्जी होंगी, जो मंगाया एकदम फ्लॉप गया। सबसे बड़ा शौक तो वड़ा पाव था, रिजा इतनी देर से बैठी थी, इसने एक तो पास्ता मंगाया, पास्ता में इतनी सारी कसूरी मेथी थी कि पास्ता लग ही नहीं रहा था कि व्हाइट सॉस पास्ता है, वो ग्रीन पास्ता लग रहा था। फिर बेचारी ने सोचा वड़ा पाव, क्योंकि ना ये चिकन खाती है ना ये कुछ और चीज खाती है। छोले भटूरे वहाँ पे नहीं थे, छोले पुलाव था, वहाँ पे बहुत कम चीजें थी, लेकिन हमने सोचा कि वड़ा पाव तो चलो अच्छा होता ही है। वड़ा पाव आया इतनी देर बाद, एक ऑर्डर करने पे 3 पाव आए, अच्छी बड़ी ट्रे में फ्रेंड्स रखे हुए, आपने फोटो देखी होगी, ऊपर से इसमें हरी चटनी लाल चटनी आके रख गए। अब मैं इधर से उधर देख रही हूँ, पाव अंदर से आ रहे होंगे, हमने कहा ठीक है पाव आ रहे होंगे। भाभी ने हाथ में लिया, भाभी से ट्रे देख रही है, कह रही इसके पाव कहाँ है, तो कहता है मैम पाव अंदर है इसका मुंह देखने लायक था, कैसा लगा? मैंने लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी लेकिन मैंने ऐसा वड़ा पाव सोचा भी नहीं था कि कभी इस तरह मिलता होगा। मैंने घर वालों के लिए ऑर्डर किया था ये पाव भाजी, तो हम वही खा। मामू आ चुके हैं मौदाहा से, क्योंकि अम्मा और बेटी खाला को जाना है। और आप अम्मी की पसंद देखिए, इसे कहते हैं फूट, अब पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, अम्मी ने मंगाई है। और ये भाई के लिए स्पेशली भोपाल से नाजा खाला ने गीली मूंगफली भेजी है। और ये है मौदाहा के खीरा जो मैंने उसी वक्त कटवा के खा लिए, और ये भोपाल की मूंगफली भी खा ली है।
अभी हो चुका है नेक्स्ट डे और मैंने सोचा कि आधे घंटे वॉक कर ही लेते हैं। हम लोग निकल गए हैं पास वाले मॉल के लिए, क्योंकि जैसे आपको पता है कल आपने देखा मामू आ चुके हैं, तो बेटी खाला और अम्मा के जाने का टाइम आ गया, पर से लोग निकल जाएंगे, छोटी मोटी तैयारियां करनी है वो करने के लिए बाहर निकल। आ चुके हैं मैक्सिस मॉल, मेरे साथ आई है रिजा, बेटी खाला क्योंकि उनको अपने फोन का टेम्पर चेंज कराना था, और हमें अम्मा के लिए चप्पल भी लेनी है। चुका है फ्रेंड्स, बेटी खाला के फोन का जो कांच है वो बदलाना है, उसके लिए हम जा रहे हैं देखने के लिए। थोड़ी थोड़ी बारिश भी आने लगी, लेकिन सामने जो शॉप दिख रही है यहाँ पे पूछते हैं नदी है ऐसे नाकना है। देखो मैंने पार कर ली। लड़ाई में फेंका था चलते। और बेचारी के फोन का कवर कहीं नहीं मिलता, इतनी शॉप पे पूछा लेकिन नहीं मिला, फिर सोचा चलो पानी पूरी खा लेते हैं। पानी पूरी अगर मेरे सामने होगी ना तो मैं नहीं रोक सकती खुद को। चुके हैं मार्केट पॉइंट, घर की कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें लेनी है वो भी लेके फिर घर चलते हैं। हमने कभी ऐसी जगह नहीं आई, नहीं पहली बार आए अंदर से। ओह एक ले ले ले, तुम्हें याद है तुम ऐसे चॉकलेट रिजा के लिए लाती थी, मैं तुमसे बहुत सारी लेती थी। किसमी बार फ्रेंड्स क्या होता था कि खालू चले जाते थे बाहर सऊदी, और बेटी खाला रिजा आ जाते थे भोपाल रहने के लिए, तो बेटी खाला इकट्ठा ना 3 महीने का रिजा का चॉकलेट सेरेलेक सब लाती थी, उसमें किस्मी की भी इतनी सारी टॉफी होती थी, और मैं रोज कहती थी मुझे दे दो, रिजा का सेरेलेक भी आधा खा लेती थी। बेटी खाला कहती शालू उसका खत्म हो जाएगा, उस वक्त वो एक डब्बा भी बहुत मुश्किल, बोल रहे थे इतनी इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ, उस टाइम पे वो एक सेरेलेक का डब्बा भी बहुत मुश्किल होता था, ऑयल चाहिए था ना। अच्छा वो हाँ। सिकी हुई एकदम, मम्मी ने बोला था। हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स ऊपर, क्योंकि रिजा को लेना है कटोरा, उसी में वो खाती है, उसका एक ही कटोरा होता है। गैस चूल्हा ऊपर का हाँ, कम ही ऊपर। अब जब अगली बार आओगे तब ले लेंगे, तो ये एक ही भी ले लो पानी के लिए, ये पानी की नहीं चाय के लिए। अच्छा लगा आके, बहुत अच्छा लगा। चले नीचे हो गया। अम्मा यहाँ पे अपनी चप्पल पहन के चल के देख रही है कि उनके पैर में चुभ तो नहीं रही है। आपने सब कुछ फैशन देखा होगा, लेकिन कोई किचन में पर्स डाल के अंदर रखने जा रही हूँ तो वो है जो तो फ्रेंड्स रिजा आज देखो अच्छी बच्चे की तरह सैलेड खा रही है, गुड रिजा, और हम गंदे बच्चे की तरह दिन में दूसरी बार चाय पी रहे हैं। बेटी खाने लिए ये वाली चप्पल, अब वो जा रही है तो बस अब जो भी है बाकी अपना मौदा से खरीद ले, कुछ नहीं लेंगे लेकिन कुछ भी रह जाए तो फोन कर देना। बेटी खाने के लिए मैं भी थोड़ा सा स्टाइल मारूंगी ना ऊंची बन के, कभी कभी तो पहनना जरूरी है ना, हर वक्त पहनते हैं वैसे। रेहान गिव मी वन दालचीनी बिस्किट, मम्मी को ऐसे अतरंगी दालचीनी लौंग इलायची के बहुत पसंद रहते हैं। पहली बार सुना है दालचीनी के, हल्को फ्लेवर है, मुझे ज्यादा नहीं अच्छे लगे। तो दालचीनी पानी में भी पी के इंसान थक गया, बिस्किट में भी दालचीनी ही खाएगा क्या? दुबले उबले होने के लिए नहीं है, रेस्ट के लिए। हाँ उसमें हल्का सा फ्लेवर, कि वो मोटे ही करी हूँ कि मीठे बहुत है। अच्छे हैं? अच्छे दो खा लिए। सबको रेहान बांट रहा है कान साफ करने के लिए। कार्य मामू आप कैसे आ चुके, सबसे सलाम तो कर लो। कार्य मामू आगे लोगों को लेके जाने के लिए, अम्मा के देखो कितने ध्यान से कान की सफाई हो रही है। अम्मा चली जाएगी, अम्मा के सारे दोस्त याद करेंगे। फ्रेंड्स अम्मा अभी जा रही हैं, अम्मा परसों निकल जाएंगी, उसके बाद अम्मा अपनी तैयारी करेंगी मौदहा में, फिर हम लोग जाएंगे, अम्मा हमारे लिए अपना घर साफ वाफ करके रखेंगी, फिर हम लोग जाएंगे, फिर सितारा खातर भी साफ करेंगे, सितारा कभी अपने इस बात की लड़ाई चलती है कि बेटी खाला कहती है कि कोई हमारे घर रुकेगा, अम्मा कहती है कि हमारे घर रुकेगा। मैं चाची को छोड़ सितों का अपने साथ से परियो चाय बना के पियेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर बेटी कहाँ
ढीलियों। तुम्हारी जाने की खुशी में आज मैं तुम्हें बना के खिलाऊंगी सेवई शुगर फ्री वाली। ठीक है तो फ्रेंड्स अभी हम इस ब्लॉग को तो एंड कर देंगे, फिर अगले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे मेरी फेवरेट अमरूद। ये सारे पार्सल्स लेके ऊपर जा रहे हम लोग, कार्यों में हेल्प कर रहे हैं। आ जाओ, जा रही हूँ वहाँ पर। सब बीच में क्यों लेके जा रहे हो, उसे अंदर रखो अभी। बेटी मैं बोलो ये बाद में ले जाएगा। अभी नहीं, लिफ्ट पकड़ के खड़े होना पड़ता है, बंद हो जाती है लिफ्ट में, एहतियात बरतनी पड़ती है। और सामान देख रहे हैं आप, नहीं तुम तुम्हारे होवर बोर्ड से परेशान है। अच्छा लगा? अरे बहुत अच्छा। चलो फ्रेंड, कार्यों ने घर देख लिया, उन्हें अच्छा लगा, और उन्हें अच्छा लगा तो हमें भी अच्छा लगा। बहुत अच्छा। चलो अच्छा, ब्लॉग करने से पहले आपको जल्दी से दिखा दूं हमने क्या शॉपिंग की, क्योंकि आप सबको भी इंतजार होता है। मैं अम्मा के लिए लेने गई थी, वहाँ पे मुझे ये कैट वॉक की चप्पल मिली है। ये रोज के लिए है, मतलब अभी जैसे शॉपिंग पे जाते ना, ज्यादा ऊंचे चप्पल नहीं पहनते, कभी जूते नहीं पहनने, तो इस तरह की सारे कपड़ों में चली जाएगी। और शादी के बाद के लिए, और शादी में जो भी जरूरत होती है ना कपड़ों के साथ, जो जोड़ों के साथ कुछ चप्पल जाती है, उसके लिए भाभी ने मुझे 3-4 चप्पल दिला दी है। जो मेन ने कहा कि वो अभी नहीं दिखा रही हूँ, कुछ तो सरप्राइज रहेगा, इसमें से मैं आपको एक दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरा भी दिल नहीं मान रहा था ये। तो भाभी ने कहा कि ये सारे कपड़ों में जाएगी और बहुत ही अच्छी लग रही है, और ये हमेशा चलती है, मतलब सदाबहार है, कोल्हापुरी स्टाइल है। ये आपको स्पेशल दिखाना था, हम भोपाल में जब गए थे ना सारा के साथ मिस्टर DIY, वहां से ये मैंने कॉस्मेटिक बॉक्स लिया था, मतलब इस तरह का है। इसमें मैं बाहर अपने वो ड्रेसिंग टेबल पे जमाऊंगी, अभी इसे खोलूंगी, बहुत टाइम हो जाएगा। कल फ्रेंड्स आपने देखा मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, 26 सितंबर की जगह मैंने 26 जनवरी लिख दिया, लेकिन आप लोग समझदार हो, काफी लोग मजाक भी उड़ा रहे थे। और थैंक यू सो मच, पहली बार आप लोगों को मेरा चश्मा पसंद आया, वरना हमेशा आप लोगों को मेरे चश्मे की पसंद नहीं आती है, तो थैंक यू सो मच। और ये सारे पार्सल्स हम नेक्स्ट व्लॉग में अनबॉक्स करेंगे फ्रेंड्स। तो अगर आप अच्छी कंफर्टेबल चप्पल देख रहे हैं तो कैटवॉक या फिर Ring 5, ये दो ब्रांड है जो टूटते भी नहीं है, कम्फर्टेबल भी होते हैं, और बहुत महंगे भी नहीं है, लेकिन बहुत सस्ते भी नहीं है। मम्मी बड़े प्यार से भाई के लिए मूंगफली भून रही है, उनकी फेवरेट, जो नाजाखाड़ा से मंगवाई है भोपाल से। अम्मी अपना खाना छोड़ के भूनने में लगी कि शानू आएगा तो उसको मैं जब दूंगी। अभी नहीं आया ना? अभी नहीं आया। आपने अभी तक बताया नहीं? क्या बताओ? क्या सिहाब भाई चले कि नहीं चले? चले कि नहीं चले? नहीं पता नहीं, सुबह बेटी खाल ने देखा था। हाँ। तो लास्ट नहीं आए थे वो, नहीं चले थे। हम बस दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह में कब जल्दी से खुशखबरी मिले कि वो चलने लगे। तो फ्रेंड्स अभी इस वीडियो को एंड नहीं लिया था, मैं एंड लेने आ गई, रिजा यहाँ बैठ के अपनी पढ़ाई कर रही थी और मैं अपना वीडियो एडिट कर रही थी, अम्मी की फ्रेंड आई है उनसे मिलने के लिए, तो इसलिए अभी अंदर बैठ के पढ़ाई कर रही है। तो अभी मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, आई लव यू।